वेलकम बैक ब्लॉगिंग विद मंजेश। आई होप आप सभी ठीक होंगे और ठीक मैं भी हूँ लगभग। आज हम खाना वाना खा कर मस्त घर से निकले लगभग 2 बजे के तकरीबन। और निकलने के बाद हमें सुनने में आया था, बहुत दिनों से बहुत सारे लोग बता भी रहे थे कि पटना में जो मेट्रो का काम चल रहा है, हालांकि बहुत ज़ोर शोर से बहुत तगड़े तरीके से मेट्रो का काम चल रहा है, पर मेट्रो के काम में जहाँ से मेट्रो का लाइन गुजरने वाला है, आप जैसे देख सकते हैं पीछे मेट्रो की लाइन की तैयारी हो रही है, यहाँ से मेट्रो डबल लाइन जाएगी। और इस बीच में एक मंदिर आ गया छोटा सा, ये मंदिर है माता का मंदिर है। और कहा जाता है ऑफकोर्स सी बात है, अगर यहाँ से मेट्रो लाइन जा रहा है तो कहीं ना कहीं इसको तोड़ने फोड़ने का काम भी होगा, तोड़ने की कोशिश की जाएगी। तो ये चीज़ आ रही है, ये मंदिर बीच में आ रहा है मेट्रो लाइन के, तो इस वजह से शायद इसे तोड़ना भी पड़े। तो इस बारे में हम बात करने आए हैं यहाँ पे, भैया वीडियो कवर करेंगे। और बहुत सारे लोग जो हैं इस मंदिर को बचाने के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, लगातार आवाज़ उठा रहे हैं, और कोशिश करेंगे कि ये मंदिर बच जाए। हालांकि मेट्रो का काम भी एक बिहार की उन्नति का कारण बनेगा, तो उसे भी रोकना ठीक नहीं है। पर जिसकी जैसी सोच, अगर किसी की आस्था है तो हम आस्था के ख़िलाफ़ भी नहीं जा सकते, और गवर्नमेंट का काम है तो हम उसे भी नहीं रोक सकते। हम अपना विचार रख सकते हैं, तो हमने अपना विचार रखा और बाकियों का विचार भी सुनेंगे। गाइस, मंदिर का वीडियो कर रहे थे हम, और वहाँ पर कुछ लोगों ने बताया कि यहाँ पे बगल में एक काली घाट है, और काली घाट पे एक माता जी रहती हैं, लगभग 90 साल की उम्र की उनकी एज है। और ये कहानी आप सुनोगे तो शौक हो जाओगे, और वाकई में हम शौक रह गए। उनकी कहानी ये है कि वो लगभग 90 साल की उम्र में यहाँ पे 90 काली घाट पर बैठी हुई हैं। उससे पहले उनकी जवानी में उनके पति जो थे वो डॉक्टर थे, और उनकी हत्या कर दी गई। उसके बाद अभी फ़िलहाल में उनकी एक बेटी है और एक बेटा है। बेटा है वो निकम्मा है, उनको घर से बाहर निकाल देता है, तो उनका बेटा उनको घर से बाहर निकाल देता है। और बेटी जो है सपने सुहाने लड़प्पन के जो सीरियल है उसमें काम करती हैं, पर इनको घर पर नहीं रखती है। बहुत दुख लगा सुनकर ये सब। और क्योंकि गाड़ी में कुछ चद्दर कुछ कपड़े पड़े हुए थे तो मैं वो लेकर आया, और कुछ पीने के लिए जूस वगैरह लेकर आया। अभी फ़िलहाल उनको हम दे देंगे, सामने बैठी हुई हैं, दिखाते हैं कैसे। तो गाइस, आज का ये कुछ ऐसा दिन रहा, और बहुत बुरा लगता है ऐसी हालत में देखकर बुजुर्गों को, जिनके बच्चे खुद तो बहुत अच्छे मुकाम पे हैं पर उनके पास इतनी भी क्षमता नहीं है कि वो अपने पेरेंट्स को ठीक से रख पाएँ। हालांकि देखिए, उनकी बेटी जो है वो सपने सुहाने लड़प्पन के गुंजन नाम की रोल में आपको दिख जाएंगी इंस्टाग्राम पे, शायद पूनम करके कुछ ऐसा उनका नाम है। पर अफसोस होता है कि उनको अपने पेरेंट्स की टेक केयर नहीं है। और अचंभा की बात यह भी है कि अगर उनसे पूछा जाता है, हमने जैसे पूछा कि आप हमारे साथ चले किसी आश्रम में रखवाते हैं, तो वो बोलिए नहीं, मैं माँ के द्वार को छोड़कर नहीं जाऊँ। खैर, इस वीडियो को शेयर कीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।